लेते हैं कपिल आपसे, पटेल इंजीनियरिंग पे फिलहाल जो है इनके भाव से काफी ऊपर, क्या होगी राय? जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी मोमेंटम में भी है, और उसके साथ में भी जो हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप की जो मोमेंटम देख रहे हैं वो काफी बेहतरीन सी हमें अभी भी देखने मिल रही है। आज का जो हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट गिर रहा है, होने के बाद में भी हम जो पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन कहां ना कहां पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप को ही जा रहा है, क्योंकि वो अंडरलाइन इंडेक्सेस काफी अच्छे काम कर रहे हैं। पटेल इंजीनियरिंग एक अच्छा खासा पेन उसने झेला हुआ है, लेट्स से कि उसने जो 2007 की जो मैं यहाँ पे ट्रेंडलाइन देखता हूँ तो 2007 से नेगेटिव मोमेंटम है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से स्टॉक में काफी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने मिल रही है। 12 से 13 साल की जो फॉलिंग ट्रेंडलाइन थी उसका एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है। 52 में ये स्टॉक चल रहा है, तो इसका जो मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस देख रहा हूँ वो कहां ना कहां पे 42 के यहाँ पे आएगा, तो 42 का ट्रेडिंग मतलब 10 रुपीज का फर्क काफी ज्यादा है, लेकिन स्मॉल कैप में मोमेंटम आपको इतनी ज्यादा ही देखने मिलती है। और स्टॉक का जो अच्छा सा मोमेंटम दिया हुआ है तो उसके कंपेयर में जो 10% रिट्रेस्ट करेगा तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ऊपर में जो इसका मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल देख रहा हूँ तो वो 71 के यहाँ पे आता है, तो रिस्क रेशियो यहाँ पे अच्छा बैठता है होल्ड करने के लिए। तो 52 पे है तो होल्ड करने की राय रहेगी, 42 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 71 के अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, पटेल इंजीनियरिंग अगर हम 52 हफ्ते के निचले स्तर से अगर तुलना करेंगे तो शेयर तकरीबन 4 गुना हो गया, और क्या गजब की रफ्तार दिखाई है मिड कैप स्मॉल कैप में, जो रैली जो चल रही है उसमें इसने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है।